टीम इंडिया ने बांग्लादेश को सात विकेट से हरा दिया है लेकिन इस वक्त जीत से ज्यादा विराट कोहली के चर्चे हैं क्योंकि विराट कोहली जब चौहत्तर रन पे था तो टीम को भी 26 रन चाहिए थे और विराट कोहली को भी 26 रन चाहिए थे अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए उसके बाद 19 गेंदों का सामना विराट कोहली ने खुद किया एक तो अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल की और टीम को भी जीत दिला दी है तो इसे कहते हैं ऑलराउंड परफॉर्मेंस अपनी टीम को भी जीत दिला दी साथ ही साथ अपना जो माइल था सेंचुरी थी वो भी मुकम्मल कर दी है तो इस तरह से विराट कोहली की अड़तालीसवीं सेंचुरी आज आ गई है और सचिन तेंदुलकर से अब वो ज्यादा दूर नहीं है इस मैच की अगर बात करें तो पहले बांग्लादेश ने बैटिंग की बैटिंग करते हुए उन्होंने दो शायद पचपन छप्पन रन का स्कोर बनाया और पावर प्ले में उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की तहम एक बार फिर से जब रविंद्र जडेजा और उसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज कुलदीप यादव उन्होंने अपना योगदान दिया हर किसी को विकेट मिले और फिर जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आए तो जो अप्रोच हमें दिख रहा है पिछले कुछ मैचों से हालांकि पिछले एक दो सालों से उसी अप्रोच के साथ वो बैटिंग करते हैं और आज भी जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की अड़तालीस रन बनाए और उसमें भी उन्होंने शायद आज दो छक्के लगाए हैं और काफ़ी ईजी वो छक्के लगाता है और फिर विराट कोहली जब आते हैं पहले ही उनको फ्रीट मिल जाती है एक नहीं दो और उसके बाद विराट कोहली ने रुकने का नाम नहीं लिया फिर चाहिए थे 24 रन 26 रन मैच जीतने के लिए और विराट कोहली ने खुद ही 19 गेंदों का सामना किया और के राहुल दूसरे एंड पे देखते रहे विराट कोहली ने एक तो अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल की साथ ही साथ टीम को भी जीत दिला दी अब ये टीम इसलिए खास हो जाता है क्योंकि अगर आप आज भी देखेंगे टॉप ऑर्डर शुभमन गिल की आप बात करें रोहित शर्मा की बात करें अब के राहुल या विराट कोहली सभी के बैट से रनस आए हैं और इसलिए जो शार्दुल ठाकुर है या रविंदर जडेजा है हालांकि के राहुल की अगर बात करें तो उनको भी अब ज़्यादा बैटिंग नहीं आती है जिस तरह की बैटिंग टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर भी कर रहा है पहले मैच में जब ऑस्ट्रेलिया के साथ दो रन पर तीन विकेट्स आउट हो गए थे उसके बाद भी विराट कोहली और के राहुल ने वो मैच जिताया था फिर अफगानिस्तान के साथ वो वन साइडेड मैच था और वहाँ पर भी ज़्यादा खिलाड़ियों को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला उसके साथ साथ अगर फिर देखेंगे पाकिस्तान के साथ भी वही हुआ और आज बांग्लादेश के साथ भी इसी तरह की परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने रिपीट की है अब टीम इंडिया ने चार मैच में से चार जीते प्राप्त की है इस तरह से जो अब इंडिया है वो टॉप पर खड़ी है बस दो तीन मैच और जीतने हैं दैट मीन्स दे आर थ्रू टू द सेमीफाइनल फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए आप अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज